हेलो दोस्तों, मैं दीपेश स्वागत करता हूँ आपका टेक डीएसआर चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे वीवो S1 Pro के बारे में, जानेंगे क्या क्या नए फीचर है इस मोबाइल में। तो दोस्तों शुरू करते हैं ये वीडियो। इससे पहले कि अगर आप इस चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे नए नए वीडियो मिले सबसे पहले। मित्रों, ये वीडियो आपके लिए लेकर आया है द्वारकेश मोबाइल राजकोट, तो आप भी आए द्वारकेश के द्वार। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं इस मोबाइल की डिज़ाइन के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पीछे की तरफ दिया गया है डायमंड शेपेड कैमरा पैनल। इसकी इंस्पिरेशन वीवो ने फाइन ज्वेलरी और रॉयल प्लेसेस से ली है। तो यहाँ पर आपको मिलेगा कुछ हटके डिज़ाइन इस मोबाइल में। ये काफ़ी अट्रैक्टिव दिख रहा है, जैसे आईफोन 11 में जो स्क्वायर पैनल दिया गया है और अलावा दूसरी सब में जो राउंड पैनल आती है, यहाँ इससे डिफरेंट काफ़ी वीवो ने अच्छी डिज़ाइन दी है। और ये जो मोबाइल है दोस्तों, इसका कलर है ये ड्रीमी वाइट मोबाइल है। इसके अलावा भी आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे, जहाज ब्लू और मिस्टिक ब्लैक, तो ये भी ऑप्शन आपके पास रहेंगे। मैं दोस्तों बात करता हूँ इस मोबाइल के कैमरा फंक्शन के बारे में। तो यहाँ पर आपको मिल जाता है क्वाड कोर कैमरा, जिसमें 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा होगा और 3 8 मेगापिक्सल के कैमरे होंगे, जिसमें एक कैमरा होगा वाइड एंगल का, दूसरा होगा मैक्रो और तीसरा होगा यहाँ पर बुके फोटो लेने के लिए। तो यहाँ पर आपको कैमरा फोटो के लिए आपको अलग अलग ऑप्शन मिल जाएंगे। तो बात करते हैं इस मोबाइल की रैम और स्टोरेज के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस मोबाइल में आपको मिल जाएगा 8 GB की रैम और 128 GB की इंटरनल मेमोरी। और इस मोबाइल में आप अलग से मेमोरी कार्ड यूज कर सकते हैं, जिसकी कैपेसिटी आप 256 GB तक बढ़ा सकते हैं। और दोस्तों मैं इस मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं तो इसमें आपको मिल जाएगा वीवो का फ्रंट टच 9.2। तो इसमें आपको मिल जाता है अल्ट्रा स्टेडी वीडियो, यानी कि जब भी आप इस मोबाइल से वीडियो लेंगे तभी जो यहां पर वीडियो जो बहुत हिल रहा है वैसा नहीं दिखेगा। तो यहां पर EIS दे गया है इस मोबाइल में, जिसकी वजह से वीडियो क्वालिटी काफ़ी अच्छी आ रही है। अब बात करता हूँ मैं इसके फ्रंट कैमरा की। तो दोस्तों इसमें आपको 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल जाएगा, जहां पर भी ये भी कैमरा है वो भी AI है और बैक कैमरा भी AI है। तो ये खास बात है इस मोबाइल में कि दोनों तरफ के कैमरा है वो AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो अपने आप से ही सिस्टम पहचान लेगा कि आप किसके फोटो ले रहे हैं, उसके मुताबिक यहाँ पर आपको वो फोटो की क्वालिटी और फोटो के फंक्शन अच्छे मिल जाएंगे। अगर दोस्तों मैं इस मोबाइल के फ्रंट कैमरा की और बात करूं तो इसमें आपको मिल जाता है फेस ब्यूटी, यानी कि जब भी आप अपनी सेल्फी लेंगे तब यहां पर आपको चेहरा आपका निखर जाएगा। तो आप देख सकते हैं मोबाइल में। अब दोस्तों बात करते हैं इसके आगे के लुक के बारे में। तो यहां पर आपको 6.38 इंच की जो ये AMOLED डिस्प्ले मिल जाएगी और यहाँ पर जो रेजोल्यूशन है वो HD+ आपको मिल जाएगा और काफ़ी टच रिस्पॉन्सिव है ये मोबाइल, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर अब मैं बात करता हूँ इस मोबाइल में के प्रोसेसर के बारे में। तो इसमें आपको मिल जाएगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 655 प्रोसेसर, जो कि काफ़ी अच्छा काम देता है। और यहाँ पर मैं अब मैं बात करता हूँ इसके और फंक्शन के बारे में। तो इस मोबाइल में आपको इन स्क्रीन फिंगरप्रिंट डिस्प्ले मिल जाता है यहाँ पर आपको, और यहाँ पर फेस अनलॉक भी आपको दिया गया है। और दोस्तों इसमें आपको मिल जाएगा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, यानी कि जब आप मोबाइल स्विच ऑफ करेंगे तभी भी आपको स्क्रीन पे यहाँ पर आपको जैसे वॉच दिखाई रही है वैसे दिखाई देगी। तो यहाँ पर AMOLED स्क्रीन है, इसकी वजह से ये ऑलवेज ऑन स्क्रीन में भी बैटरी कम लेता है। अब दोस्तों देखते हैं इस साइड आपको मिल जाएगा पावर बटन, यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉल्यूम बटन, और ऊपर की तरफ हेडफोन जैक मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देखते हैं इस साइड, यहाँ पर आपको मिल जाएगा सिम ट्रे, और नीचे की तरफ आप देखते हैं तो यहाँ पर सी टाइप जो आपको USB पोर्ट है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पर अब बात करते हैं, यहाँ पर एक स्पीकर आपको दिया गया है इस साइड। और अब मैं बात करता हूँ इसके बैटरी बैकअप की। तो यहाँ पर आपको मिल जाता है 4500 mAh की बैटरी और 18 वोल्ट का फास्ट चार्जर इस आपको इस मोबाइल में मिलेगा। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसे नए नए वीडियो मिले सबसे पहले।